हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एच सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन इस प्रकार है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 cm। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ and pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to the elevator at t equal to 0 when the distance of B from the mirror is 42 cm. Find the distance between the image of the block B and the mirror at t equal to 0.2 seconds and take t g equal to 10 m/s². तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले ये एलिवेटर है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है 2 m/s² से। इसमें दो सिस्टम है, नीचे मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर एम ब्लॉक है जो स्ट्रेट चल रहा है, जिस पर टेंशन लग रहा है, और यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है। एट टी इक्वल टू जीरो कंडीशन में सबसे पहले हम ये समझते हैं, इस पर एक सूडो एक्सेलरेशन भी लगेगा। जैसा आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने सूडो एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। तो सूडो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में जब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस पर लगता है सूडो एक्सेलरेशन। तो केवल यहाँ सूडो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा लेकिन यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें जी के साथ में एक एडिशनल एक्सेलरेशन लगेगा जिसे हम सूडो एक्सेलरेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, सिस्टम पर आते हैं। जब t इक्वल टू जीरो मतलब t एट रेस्ट पर, हम यहां पर t इक्वल टू जीरो पर चलते हैं। तो सबसे पहले टेंशन इक्वल टू यहां पर होगा ma, ये हमारी कंडीशन पहली। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। यहां पर इस दूसरी कंडीशन में क्या होगा, m इसके साथ में g और इसमें एक a डैश भी लगेगा। a डैश कौन सा, जो ये वाला एक्सेलरेशन है 2 m/s², उसी का ही अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर जी की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा, माइनस टी इक्वल टू एम और ए। यहां पर ए रहेगा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एम, और यहां पर ये कितना है, जी कितना है 10, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जी इक्वल टू 10 m/s² रखने का है। और ये हो गया आपका 2, t आपका कितना है m a, और ये हो जाएगा आपका m a। तो 12 m इक्वल टू 2 m a, m a राइट साइड जाएगा, तो m a प्लस m a 2 m a हो जाएगा। m m कैंसल, a इक्वल टू 6 m/s² आ गया। अब जब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये मूव हुआ, ये रेस्ट की कंडीशन थी, जब मूव हुआ तो कितना डिस्टेंस ने कवर किया, तो हमारा फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास 1/2 at², तो ये कितना हो जाएगा, ये 6, और ये है अपना 0.2, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 6, 0.2 हटाया तो ये कितना हो गया 12/100 m, और चाहो तो इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 cm। अब हमारे पास 12 cm में खसक के नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आ गया और इनके बीच का डिस्टेंस 1242 था, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डिस्टेंस, पहले का डिस्टेंस 42 और ये ब्लॉक जब नीचे आया तब ये हो जाएगा 12 मींस 30, तब आपका u की पोजीशन हो जाएगी -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, मिरर के ऊपर है, और वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि इस साइड हम देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और मिरर के पॉलिश साइड देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो ये u आपका 30,
एफ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है कॉन्वेक्स। तो अब हमारा फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला है, प्लस मिरर के फॉर्मूले में रखता है। तो 1/12 v - 1/30, 1/12 + 1/30 = 1/v, तो v हो गया 60/7, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 8.5257 समथिंग। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे और लगातार इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। धन्यवाद।